कंप्लीमेंट्री ऑफ क्लासेस और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये इस पार्ट का पहला वीडियो जिसके अंदर हम लोग 5.1 हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 5.1 हल करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिख के रखी हुई है जिनको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि स्टूडेंट्स इस पार्ट का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, तो एक चरांक वाले रेखीय समीकरण के बारे में ऑलरेडी आपने कक्षा 8वीं में सीखा हुआ है, ठीक है, जहां पर हम लोग एक चरांक का मान ज्ञात करते थे। चरांक क्या होता है आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक कोई भी अल्फाबेट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और समीकरण किसे कहा जाता है, जिसके अंदर दायां पक्ष और बायां पक्ष दो पक्ष होते हैं उनसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। बराबर, मतलब आपने समीकरण का दायां पक्ष लिया तो बायां पक्ष के बराबर रहेगा और बायां पक्ष लिया तो दायां पक्ष के बराबर रहेगा। बराबर है ना, ये आपको समीकरण के बारे में मालूम है। क्या होता है समीकरण, यहां पर देख लीजिए एक बार, जैसे वर्ग समीकरण आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है जीरो, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है, जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बराबर है, जैसे अगर मैं बोल दू एक्स प्लस तीन बराबर एक्स प्लस चार, ये भी क्या हो गए, एक समीकरण हो गए, क्योंकि इसके अंदर दो पक्ष है, दायां पक्ष है और बायां पक्ष है। जब किसी भी अंक गणित में दायां पक्ष और बायां पक्ष हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। एक चरांक का मतलब ऐसा समीकरण जिसके अंदर केवल एक ही चरांक रहे। इस पाठ का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, मतलब उस समीकरण के अंदर दो चरांकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और रेखीय समीकरण क्यों कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि उस समीकरण का जो महंतम घात रहेगा एक रहेगा। महंतम घात मतलब क्या, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका महंतम घात दो है तो इसको हम लोग रेखीय समीकरण बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण बोलेंगे। बहुपद नाम का पार्ट इसका वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बताया होगा कि रेखीय समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण क्या होता है, घन बहुपद क्या होता है, वर्ग बहुपद क्या होता है, ठीक है ना, इनके बारे में मैंने बनाया हुआ वीडियो बनाया है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट समीकरण की, और रेखीय समीकरण क्यों कहा जाए कि उसको महंतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। बराबर, यहां का समझा है। तो इन सारी चीजों को मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ, पहले इस बेसिक चीज को समझेंगे और बाद में प्रश्न संग्रह को शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले समझते हैं एक चरांक वाले रेखीय समीकरण, ठीक है, जो कक्षा 8वीं में पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। यहाँ पर एक चर वाले रेखीय समीकरण में चर का घातांक कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, चर का घातांक यहां पर तो होना चाहिए एक, चर का घातांक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उस समीकरण को एक चरांक वाले रेखीय समीकरण हम लोग बोलेंगे। जैसे यहां पर अगर आपको समीकरण दिख रहा होगा तो ये दोनों समीकरण में दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है। बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और इस समीकरण में सिर्फ एक ही चरांक का इस्तेमाल किया गया है और वो चरांक कौन है, एक्स है। और यहां पर आप लोग देख लीजिए इसको भी हम लोग एक चरांक वाले रेखीय समीकरण बोलेंगे क्योंकि एक ही चरांक का इस्तेमाल किया गया और चरांक का नाम क्या है, वाई। बराबर, दायां पक्ष और बायां पक्ष में चरांक समान होना चाहिए तो ये लोग उसको रेखीय समीकरण कहेंगे। बराबर, जैसा यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ समीकरण को मैंने हल करने के लिए बोला है जैसे आप 8वीं में हल करके आए होंगे, तो यहाँ पर m प्लस तीन बराबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर मुझे m का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, m प्लस तीन है ना स्टूडेंट्स, m प्लस तीन बराबर 5 है, तो m बराबर 5, ये प्लस तीन इधर जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिखोगे, पूरा हल करके आपको दिखाना नहीं है। बराबर, तो इसे कृति कहते हैं, क्या कहते हैं, कृति। आपको 9वीं में अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी 10वीं का जब आप जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी कृति करनी रहेगी। यहां पर अगला सवाल हमारे पास है 3y प्लस 8 बराबर 22, यहां पर हमको y का मान निकालना है, इसलिए 3y ये प्लस 8 जो रहेगा इधर जाएगा, 22 माइनस 8 हो जाएगा। बताइए 22 माइनस 8 कितना होगा, 22 माइनस 8 14 हो गया, सही ना, तो y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 14/3, तो यहां पर आप 14/3 लिखेंगे। बराबर, अब यहां पर x का मान कितना रहेगा, तो अगर मैं बोलू x बराबर x बटे 3 बराबर 2, तो x का मान निकाले 3 यहां पर भाग में यहां पर जाएगा गुणा हो जाएगा, x 3 × 6 तो यहां पर आएगा 6। बराबर, यहां तक आपने हल किया, इस तरह आपने 8वीं में किया हुआ है। अब आगे देखिए,
दो चरांक वाले रेखीय समीकरण जो हमको यहाँ पर सीखना है। और स्टूडेंट्स ये पार्ट जो है कक्षा दसवीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा दसवीं में गणित भाग एक में पहले ही पार्ट का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। हाँ यहाँ थोड़ा छोटे में, वहां पर थोड़ा सा बड़ा करके दिया है। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में घातांक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसके अंदर चर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहेंगे, बराबर। इन समीकरणों के असंख्य हल होते हैं और इन हलों को क्रमिक जोड़ी में लिखते हैं। असंख्य हल मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई बराबर बीस, तो एक्स प्लस वाई बराबर बीस का अगर मैं हल बोलूं तो आप मतलब दोनों जोड़ने 20 होना चाहिए। आप बोलोगे सर x का मान 12 हो, y का मान 8, 20 होता है। x का मान 11, इसका मान 9, इसका मान 10, का मान 10, तो ऐसे बहुत सारे मान निकलेंगे, ठीक है। दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों को हल क्या रहेगा, असंख्य रहेगा। अब उन हलों को हम लोग क्या करेंगे, जैसे x का मान आपने 12 रखा, y का मान कितना है 8 आया, तो 12, 8 इस तरह में लिखना है, तो इसको बोलते क्रमिक जोड़ी में लिखते हैं। पहले x वाला मान लिख दीजिए, फिर कॉमा देके y वाला मान लिख दीजिए, बराबर यहां तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं युग्मक समीकरण क्या होता है। युग्मक समीकरण बहुत लोग स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएंगे कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण करण और युग्मक समीकरण एक होता है, समान होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण मतलब सिर्फ उसके अंदर सिर्फ केवल एक ही समीकरण रहेगा, लेकिन युग्मक समीकरण की जब बात होती है तो उसके अंदर कितने समीकरण रहेंगे, दो समीकरण रहेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं युग्मक समीकरण किसे कहते हैं। जब हम लोग दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों पर बात करेंगे, दो चरांक वाले कितने समीकरण, दो समीकरण, दो चरांक वाले दो चरों वाले दो रेखीय समीकरणों पर एक साथ विचार करके उनका सामान्य हल प्राप्त करते हैं तो उन समीकरणों को युग्मक समीकरण कहते हैं। मतलब दो चरांक वाले दो समीकरणों को एक साथ आप हल करोगे और उसका उत्तर प्राप्त करोगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मक समीकरण बोलेंगे। और युग्मक समीकरण का एक ही हल होता है, ठीक है, और वही हल दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, बराबर। यहां पर युग्मक समीकरण के केवल एक ही मान आएगा, लेकिन दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों के असंख्य मान आते हैं। जब लोग दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों में दो समीकरणों के ऊपर एक साथ विचार करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग युग्मक समीकरण बोलेंगे। युग मतलब दो, ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा वाला समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो यहां पर जब इस समीकरण को आप हल करोगे तो आपको इन दोनों समीकरणों का हल 7 और 5 मिलेगा, मतलब x का मान आपको 7 मिलेगा, y का मान आपको 5 मिलेगा। सर कैसे आएगा, हल करके बताइए। चलिए इसको हल करते हम लोग, क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। स्टूडेंट्स हमेशा जब भी आप युग्मक समीकरण हल करोगे तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी एक चरांक का गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक कितना, 1 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना, 1 है, लिखा नहीं है मतलब वहां पर 1 है, y का गुणांक कितना, 1 है, y का गुणांक कितना, 1 है, बराबर। तो अब दोनों चरांकों का गुणांक यहाँ बराबर है, तो दोनों समीकरण का चिन्ह देखिए प्लस माइनस है, देखो y का, तो इसको क्या करेंगे लोग, जोड़ देंगे। जोड़ने पर x का मान आ जाएगा 14, x का मान आ जाएगा 14/2, x का मान आ जाएगा 7, ठीक है ना। जब x का मान 7 आ जाए तो इसी x के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, ये दोनों में किसी भी समीकरण में रखिए, आपको y का मान आएगा। चलिए इसके अंदर रख देते हम लोग, तो 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर आएगा 12 माइनस 7, y बराबर आ जाएगा 5, बराबर ना। तो x का मान 7 और y का मान 5, ये 7 और 5 ये दोनों समीकरण का हल है, तो इन दोनों समीकरण का केवल एक ही हल है 7 और 5, इसके अलावा कोई हल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स युग्मक समीकरण को हल करने की विधि, हम लोग युग्मक समीकरण को दो विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि है विलोपन पद्धति, जो मैंने अभी किया था ना, किसी एक चरांक को क्या करो, विलोपित कर दो, कट कर दो, दूसरे वाले चरांक का मान आ जाएगा, फिर प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। दो तरीके हमको युग्मक समीकरण हल करने के लिए, पहले विलोपन पद्धति, दूसरा प्रतिस्थापन द्वारा। चलिए विलोपन पद्धति क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट विलोपन पद्धति मतलब ऐसी पद्धति जिसके अंदर दो समीकरण रहेंगे, दो चरांक वाले दो समीकरण रहेंगे, उन दोनों समीकरणों में किसी एक चरांक का गुणांक बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। किसी एक चरांक का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। गुणांक मतलब क्या होता है, उस चर के आगे जो संख्या लगी रहेगी ना उसको गुणांक बोलेंगे। तो पहले वाले समीकरण में उस चरांक का गुणांक क्या, वो देखिए, दूसरे वाले समीकरण में उस चरांक का गुणांक क्या, वो देखिए,
बराबर, अगर बराबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गुणा करके आप क्या करो, दोनों समीकरण के चरांक का गुणांक क्या करो, बराबर करोगे। जैसे बराबर हो जाएगा तो दोनों का चिन्ह देखिए आप, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ देना, अगर दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। इस तरह से हम लोग किसी एक चरांक को विलोपित करेंगे, दूसरे वाले चरांक का मान आ जाएगा, इस दूसरे वाले चरांक का मान किसी एक समीकरण में डालिए, पहले वाले चरांक का मान आ जाएगा। बराबर यहां तक। चलिए अब प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दो समीकरण रहेंगे, यहां पर दो चरांक वाले दो समीकरण रहेंगे, तो उसमें से एक चरांक का मान हम लोग निकालेंगे, मतलब x बराबर y प्लस 12, जैसे हम लोग यहां पर बोले तो x माइनस y बराबर 2 था ना, तो मैं यहां पर कह रहा हूं x बराबर y प्लस 2, और यहां पर क्या था x प्लस y बराबर 12 था ना, ये था ना इसके पहले जो समीकरण मैंने लिखा यहां वाला, फिर यहां पर क्या किया मैंने, ये समीकरण को मैंने क्या किया x के बराबर लिख दिया, अब x का मान यहां पर डालिए y प्लस 2, इस x की जगह डाला y प्लस 2, फिर यहां पर y बराबर 12, तो आप देख लीजिए समीकरण में सिर्फ एक ही चरांक है, इसको बोलते प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब किसी एक चरांक का मान पहले ज्ञात कर लो बराबर में, उस चरांक को पहले इसमें डाल दो, आपको एक चरांक वाला समीकरण दिखेगा और बाद में उसको हल कर लो। बराबर, तो इस तरह से हमारा हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब प्रश्न संग्रह करेंगे हम लोग 5.1। चलिए स्टूडेंट्स अब प्रश्न संग्रह करते हैं 5.1। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संग्रह 5.1 का पहला सवाल आ रहा होगा, मैं यहाँ पर सवाल लिख नहीं रहा, मेरे पास किताब है तो मैं किताब से सिर्फ प्रश्न देखूंगा और उन प्रश्नों को क्या करूंगा मैं हल करूंगा आपके सामने, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं हम लोग, क्या दिया है देखिए, एक्स तथा वाई चरांक का उपयोग करके दो चरांक वाले 5 रेखीय समीकरण तैयार कीजिए। यहां पर आपको प्रश्न बोला गया है कि एक्स और वाई का उपयोग करके, चरांक आपका क्या है एक्स और वाई है, और इस तरह से 5 रेखीय समीकरण आपको बनाने, दो चरांक वाले 5 रेखीय समीकरण बनाने, तो इस तरह के सवाल को स्टूडेंट्स मुक्तोत्तरी प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्तोत्तरी। इसके अंदर अपनी मर्जी से आप 5 रेखीय समीकरण आप तैयार कर दीजिए। जैसे मैंने बोला कि पहला समीकरण मेरा रहेगा x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा वाला समीकरण रहेगा मेरा 2x प्लस वाई बराबर 8, तीसरा समीकरण मेरा रहेगा स्टूडेंट्स x प्लस 3z बराबर 12, चौथा समीकरण रहेगा स्टूडेंट्स y प्लस y माइनस 3z बराबर 14, पांचवा समीकरण रहेगा स्टूडेंट्स x माइनस y बराबर 7। इस तरह से आपको 5 रेखीय समीकरण तैयार करने हैं, ठीक है, मुक्तोत्तरी प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से 5 रेखीय समीकरण तैयार कर सकते हो, मैंने तैयार किया है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी 5 समीकरण तैयार कर सकते हो। इसके बाद दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 7, इस समीकरण के 5 हल लिखिए, x बराबर, देखिए स्टूडेंट्स दूसरा वाला x प्लस वाई बराबर 7, इस समीकरण के 5 हल लिख लें, 5 हल मतलब एक्स और वाई के कितने क्या क्या रखोगे कि 7 आ जाएगा। जैसे पहला हल क्या रहेगा, एक्स का मान आप कितना रखो स्टूडेंट्स 3 रखो, तो वाई का मान कितना आ जाएगा देखिए, तो 4 हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई जोड़ने में 7 होना चाहिए। फिर दूसरा वाला क्या रख देंगे आप लोग, एक्स का मान रखिए 2, वाई का मान हो जाएगा 5, फिर एक्स का मान रखिए 3, एक्स का मान रखिए 4, वाई का मान हो जाएगा 3। बात मेरी समझ में आ रही है, आप इसको इस तरह से रख सकते हो कि x का मान 3 रखने पर तो y का मान निकाल लीजिए, समझ आ रहा है ना, इस तरह से 5 हल लिखना आपको, 4 x का मान रखिए 1, y का मान आ जाएगा 6, अब पांचवा रखिए x का मान रख दीजिए आप लोग 5, y का मान आ जाएगा 2। बराबर, इस तरह से आप 5 हल लिख दिए, x प्लस y के 5 हल इस प्रकार है, ऐसा लिखेंगे x प्लस y बराबर 7 के 5 हल, ये जो लिखा मैंने इसको कॉमा दे देके लिखता, आप लोग लिख देना इसको कॉमा दे देके लिख देना, 2 3 4 5। बराबर यहां तक। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला सवाल, क्या स्टूडेंट्स अगला सवाल, निम्नलिखित युग्म पर समीकरण हल कीजिए। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है, युगपत समीकरण हल करना हमको, x प्लस वाई बराबर 4 और स्टूडेंट 2x माइनस 5y बराबर 11,
सॉरी एक एच, ठीक है। अब ये समीकरण को मुझे हल करना है, युगपत समीकरण है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम हल लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई बराबर चार, इसको समीकरण नंबर एक दे देंगे। इसके बाद दो एक्स माइनस पांच वाई बराबर एक, समीकरण नंबर दो। अब समझो स्टूडेंट्स, जैसे आप समीकरण को नंबर दोगे उसके बाद आप देखिए कि x का गुणांक और y का गुणांक दोनों समीकरण बराबर नहीं है। सर कैसे, यहां पर x का गुणांक दो है, यहां पर एक है, बराबर एक है नहीं है ना, तो यहां पर y का गुणांक पांच है, यहां पर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, या तो x का या तो y का गुणांक मुझे बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देता हूं प्लस, यहां देता हूं माइनस। जब स्टूडेंट विपरीत चिन्ह रहेगा तो आप क्या करना, जोड़ देना, जब समान चिन्ह रहेगा तो आप क्या करना, घटा देना, याद रखना। तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस है तो जोड़ूंगा, यहां पर पांच से गुणा कर दो पहले आप, तो आप लिखोगे समीकरण, समीकरण एक में पांच से गुणा करने पर, पांच से गुणा करोगे तो पांच एक्स प्लस पांच वाई बराबर बीस बराबर समीकरण हो जाएगा तीन। अब समीकरण नंबर दो और तीन को देखिए आप लोग, तो y y आपको बराबर दिख रहा होगा, तो समीकरण दो और तीन को जोड़ने पर हम लोग लिखेंगे समीकरण दो और तीन को जोड़ने पर। समीकरण दो और तीन कहां पर देखिए आप लोग, दो एक्स माइनस पांच वाई बराबर एक, पांच एक्स प्लस पांच वाई बराबर बीस, ये समीकरण नंबर दो है और ये समीकरण नंबर तीन है, जोड़ देंगे, जोड़ते समय कोई भी चिन्ह बदली नहीं होता है, बराबर। तो पांच वाई गया, प्लस माइनस था इसलिए गया, ये दो और ये पांच, सात एक्स बराबर बीस और एक इक्कीस, इसलिए एक्स का मान आएगा स्टूडेंट्स कितना, इक्कीस बटे सात, क्योंकि यहां सात गुणे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा तीन, बराबर। यहां तक अब इसी एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x बराबर तीन, समीकरण, समीकरण किसमें रखोगे, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण हमारा एक क्या, पहले उसको लिख दो x, ये लिखा, अब x की जगह तीन रखना मुझे, तीन प्लस y बराबर एक, तो y बराबर हो जाएगा एक माइनस तीन, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस दो। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उत्तर में युगपत समीकरण का हल x कॉमा y बराबर, x का मान तीन आया और ये माइनस दो है, ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर। तो आप यहां पर टोटल छह सवाल दिए गए, छह सवाल का जब आपको x और y का मान आ जाए तो अंत में आपको उत्तर में लिखेंगे युगपत समीकरण का हल x कॉमा y बराबर, जो भी उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण लिखते हैं अगला, देखिए स्टूडेंट्स अगला सवाल हल करते हैं, क्या अगला सवाल, देखिए स्टूडेंट अगला सवाल आपके पास है, दो एक्स प्लस वाई बराबर पांच और तीन एक्स माइनस वाई बराबर पांच, बराबर ना, ये आपके पास समीकरण है। अब ये दोनों समीकरण हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पर हल लिखते हैं, लिखा, अब समीकरण को नंबर दीजिए आप लोग, इस समीकरण नंबर एक हो गया, तीन एक्स माइनस वाई बराबर पांच, समीकरण नंबर दो हो गया। इस समीकरण को नंबर देने के बाद आप देखिए एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, तो स्टूडेंट्स यहां पर एक्स का गुणांक तो बराबर नहीं है लेकिन वाई का गुणांक आपको बराबर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों समीकरण क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, ठीक है ना, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस, तो जोड़ देना आप लोग। तो आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट, जोड़ दीजिए तो एक कट जाएगा स्टूडेंट पूरा, इस समीकरण को चाहे तो आप यहां पर उठा के लिख सकते थे, बात मेरी समझ में आ रही। अब दो और तीन कितना होता है, पांच एक्स बराबर यहां पर कितना आएगा दस, इसलिए x को बराबर आया दस बटे पांच, इसलिए x का मान कितना आ जाए स्टूडेंट्स, दो। अब जैसे ही एक चरण का मान आता है तो आपको क्या करना है, इसी एक चरण का मान किसी भी समीकरण में डाल दो, दूसरे वाले चरण का मान आ जाएगा। अब
एक्स बराबर दो कौन से समीकरण में लिखोगे आप? समीकरण एक में रखने पर अपनी मर्जी से आप कोई भी समीकरण रख सकते हो। तो एक्स की जगह मैं दो रखूंगा, दो दो प्लस वाई बराबर पांच, मैंने एक्स की जगह दो रखा है, दो नौ चार होता है, y बराबर कितना हो जाएगा पांच माइनस एक, सॉरी पांच माइनस चार, तो y बराबर आ जाएगा एक। तो स्टूडेंट्स इस समीकरण में x का मान दो रहेगा और y का मान रहेगा एक, तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? युगपत समीकरण का हल x कॉमा y बराबर दो और एक बराबर है। आपको ये सवाल नंबर एक, सवाल नंबर दो हो गया, ठीक है। अब तीसरा चौथा पांचवा छठा बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं इसको मिटा के और उन दोनों सवाल को हल करता हूं। चलिए स्टूडेंट सवाल नंबर एक और दो होने के बाद सवाल नंबर तीन और चार करता हूं। स्टूडेंट मैं सवाल नंबर तीन और चार करूंगा, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि सवाल पांचवा और छठा करने का, ठीक है। सवाल पांच और छह को आप करके कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर बताइएगा कि एक्स का मान कितना आया है और वाई का मान कितना आया है, ठीक है। पहले सवाल नंबर तीन और चार को देखिए आप। चलो आ जाओ सवाल नंबर तीन क्या है स्टूडेंट्स, पहले उसको करते हैं हम लोग ना। सवाल नंबर तीन क्या है स्टूडेंट्स? तीन एक्स माइनस पांच वाई बराबर सोलह और एक्स माइनस तीन वाई बराबर आठ, ठीक है। यही सवाल है एकदम अच्छे से, ओके। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करते समय तीन एक्स माइनस पांच वाई बराबर सोलह को समीकरण नंबर एक देंगे। पहला काम समीकरण को नंबर दीजिए, दूसरा वाला लिख दो यहां पर लिखा। अगर आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स तो ना तो यहां पर x का गुणांक बराबर है ना तो y का गुणांक बराबर है, तो आप किसको कौन सा गुणांक बराबर करना चाहोगे? यदि आप लोग y का गुणांक यहां बराबर करना चाहोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको y का गुणांक बराबर करना है तो ध्यान दीजिए, ये गुणांक उठाइए, तीन उठाइए, ये तीन का गुणांक पहले समीकरण में करो और ये पांच का गुणांक दूसरे वाले समीकरण में करो, तो तीन पचे पंद्रह, पांच तीन पंद्रह, तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसका गुणांक लो पहले वाले समीकरण में गुणा करो, इसका गुणांक लो दूसरे वाले समीकरण में गुणा करो, तो इससे आपको y का गुणांक बराबर होगा, मतलब y का विलोपन होगा, ठीक है। मैं यहां पर आसान बताता आपको, क्योंकि यहां पर x है तीन, तो यहां पर तीन लगाना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। मुझे पहले वाले समीकरण में किसी से गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं y को बराबर करने जाऊं तो मुझे दोनों समीकरण में किसी न किसी से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर दो में क्या लिखूंगा स्टूडेंट? समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर, समीकरण दो जो है उसमें तीन से गुणा करो, तीन एक्स माइनस नौ वाई, तीन अठे चौबीस बराबर तीन। समीकरण दो और तीन में देखेंगे तो एक्स का गुणांक क्या है? समीकरण एक और तीन देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण एक और तीन देखिए आप लोग को एक्स का गुणांक बराबर दिखेगा, ठीक है। अब दोनों चिन्ह क्या है? प्लस है। जब मैंने बताया था देखिए, जब दोनों चिन्ह समान रहेगा तो आप घटा दीजिएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण एक और स्टूडेंट्स, अब समीकरण एक और तीन को हम लोग घटाएंगे। समीकरण एक और तीन मैंने यहां पर लिख दिया, घटाते समय चिन्ह बदली होता है, ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर यहां तक समझ में आया होगा। ये प्लस माइनस कट गया क्योंकि तीन प्लस में, यहां पर तीन माइनस में है, ठीक है। यहां पर पांच माइनस में, नौ पहले माइनस में था, अब वो प्लस हो चुका है, तो नौ में से पांच जाएगा, चार वाई आएगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। गणित बात जो एक है ना स्टूडेंट, उसके अंदर प्लस माइनस का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब यहां चौबीस क्या है? प्लस है माइनस? माइनस है, क्योंकि वो पहले प्लस था अब माइनस है, चौबीस में से आठ जाएगा, सोलह जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट? आंसर आएगा माइनस आठ, बराबर है। चलिए y बराबर हो जाएगा माइनस आठ बटे चार, तो y का मान आएगा माइनस दो, ठीक है स्टूडेंट्स। y का मान कितना आ गया? माइनस दो। अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रखो, एक दो तीन किसमें भी समीकरण रखो, आपको x का मान आ जाएगा। चलिए इस y का मान मैं समीकरण दो में रखता हूं, तो मैं लिखूंगा y बराबर माइनस दो, समीकरण दो में रखने पर। समीकरण दो क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? ये है x माइनस तीन वाई बराबर आठ, पहले मैंने समीकरण नंबर दो लिख दिया है। अब x माइनस तीन वाई का मान माइनस दो रख दो,
बराबर 8, इसलिए x माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 होता है बराबर 8, x का मान आ जाएगा 8 माइनस 6, x का मान आ जाएगा 2, बराबर। अब यहां पर क्या करेंगे लोग, उत्तर लिख देंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, ये लाइन जो है ना स्टूडेंट, इसको सेम टू सेम कॉपी करेंगे, लेकिन x और y का मान यहां पर अलग है, x का मान यहां पर 2 है, y का मान कितना है, माइनस 2 है। तो पहले आप x का मान लिखोगे, बाद में y का मान लिखोगे, ठीक है। ये जो तीनों सवाल मैंने किया स्टूडेंट, इसको मैंने विलोपन पद्धति से किया है। कौन सी पद्धति से किया, विलोपन पद्धति से। अब जो सवाल नंबर 4 है उसको मैं प्रतिस्थापन द्वारा जो था दूसरी वाली विधि, उस विधि से करूंगा, देखिए उससे भी आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा जगह कम है लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। सवाल नंबर 4 कर रहा हूं, 2y - x = 0, और दूसरा समीकरण क्या है स्टूडेंट, ये समीकरण लिख दीजिए ना, ठीक है ना। और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, 10x + 15y = 105। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे लोग, हल करेंगे। हल में यहां पर 2y - x = 0 है, तो यहां पर क्या करेंगे, इस x को बराबर राइट साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 2y = x, तो मतलब हम बोल सकते हैं x का मान आगे 2y, x का मान कितना आगे 2y। मैंने बताया ना, किसी चरण का मान पहले ज्ञात कर दीजिएगा। अब इस चरण का मान, ये समीकरण है ना, इसके अंदर डाल दो। चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 10x + 15y = 105, ये समीकरण नंबर 1-2 डालेंगे, ठीक है ना, और ये समीकरण नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, चलिए अब हम लोग क्या बोलेंगे, x बराबर 2y, समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जहां जहां पर x रहेगा वहां पर हम 2y लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है स्टूडेंट, 10x की जगह लिखेंगे 2y + 15y = 105। यहां तो क्लियर है, 10 दूना कितना होता है स्टूडेंट, 20, 20y = 15y = 105, 20 और 15 कितना होता है 35 होता है, 105। अब y का मान निकालना है, 105 ये 35 यहां गुणे तो जाएगा भाग, 35 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 105 आ जाए, तो जो 35 का पहाड़ा आप लोग 3 बार पढ़ोगे, कितने बार पढ़ोगे, 3 बार, तो 105 आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3। अब सभी को मालूम है जब y का मान 3 आ गया तो इस y का मान किसी भी समीकरण रखो, समीकरण 1, समीकरण 2, y का मान, x का मान आ जाएगा, तो x का मान समीकरण में जब रखोगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, हल ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जब x का y का मान आप यहां रख दोगे तो डायरेक्ट x का मान आएगा। तो y बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा x बराबर 2y है, तो x बराबर 2y का मान 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x का मान 6 आया, y का मान कितना आया, 3 आया। तो ये हमारा युगपत समीकरण का हल क्या हो जाएगा, आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर x का युगपत समीकरण का मान 6,3 है। ये सब तो मैंने बता दिया कि युगपत समीकरण का आप हल कैसे करोगे, x और y का मान कैसे ज्ञात करोगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि सर जब मेरा x और y का मान आ जाएगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना आपको, इस x और y का मान किसी भी एक समीकरण में डाल देना, समझ लो x का मान 2 है, तो इस 2 का मान यहां डाल देना, y का मान यहां पर 1 रख देना, देखो कैसे होता है, 2x + y = कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए बराबर। तो x की जगह मैं लिखूंगा 2, तो x की जगह मैंने लिखा 2, y की जगह लिखा 1, तो 2 × 4 = 5 दिख रहा है ना, मतलब जो x और y का मान जब आप समीकरण रखोगे ना वो अपने दाएं पक्ष जैसा दिखेगा, क्योंकि इस समीकरण का हल 5 है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको जो पूरा हल करोगे ना तो 5 मिलेगा, इसको हल करोगे तो 5 मिलेगा, जैसे इसको पूरा हल करोगे तो 4 मिलेगा, जैसे x का मान 3, y का मान -2। तो स्टूडेंट्स यहां पर कुछ गलती हुई है क्या, यहां पर गलती होगी ना कि यहां पर क्या था, x + y = 4 था, तो यहां पर मैंने 4 लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर इसको हल करोगे तो यहां 4 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1,
समझा। इस तरह से आप भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। यहां पर गलती हो गई थी कि x प्लस वाई बराबर चार था तो मैंने एक लिख दिया था, ठीक है, उसको मैंने बाद में सुधारा। तो इस तरह जब भी x और y का मान आए तो आप समीकरण रख दीजिए, दायां पक्ष बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट सवाल नंबर चार तक मैंने किया है, सवाल नंबर पांच और छह, क्वेश्चन नंबर तीन का पांच और छह जो बचा हुआ है उनको आप लोग होमवर्क करोगे। किसी पद्धति से कर सकते हो, विलोपन पद्धति से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन द्वारा भी कर सकते हो। विलोपन पद्धति आसान है, किसी एक चरांक का गुणांक बराबर कीजिए, दोनों का चिन्ह देखिए, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या करो आप लोग जोड़ दो, अगर दोनों का चिन्ह सेम सेम है मतलब दोनों माइनस माइनस है दोनों प्लस प्लस है घटा दीजिए, तो विलोपन पद्धति हो गया। या तो ये पद्धति जो मैंने बताया अभी प्रतिस्थापन द्वारा, दोनों पद्धति में से कोई पद्धति करके का उपयोग करके आप युगपत समीकरण को हल कर सकते हो। तो आप मुझे उन दोनों समीकरणों को हल करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप बता सकते कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।